काली कातर वाले लेके बैठा दो और इन्हें सुनाओ सारा भाषण। काली कातर वाले लेके बैठा दो और इन्हें सुनाओ सारा भाषण। काली कातर वाले लेके बैठा दो और इन्हें सुनाओ सारा भाषण। आ के जाने के लिए यही बैठा दो। मुझे पता था दो चार लोग नमूने मिलेंगे तो एक नमूना देख गया सामने। चलिए मुझे पता था दो चार लोग नमूने मिलेंगे। मुझे पता था दो चार लोग नमूने मिलेंगे। मुझे पता था दो चार लोग नमूने मिलेंगे। भारत माता के काली कातर वाले लेके बैठा दो और इन्हें सुनाओ सारा भाषण। बाहर ले जाने के लिए यही बैठा लो। मुझे पता था दो चार लोग नमूने मिलेंगे तो एक नमूना दिख गया सामने। चलिए बैठिए। आज की महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल के अंदर वाली सरकार होती है उसका विरोध करने का तरीका सदन में हो सकता है, विरोध करने का तरीका मीडिया में हो सकता है, विरोध करने का तरीका जनता को आप समझा सकते हैं, जनता में जाकर के अपने भाषण कर सकते हैं, छोटी बड़ी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन दबाव डालने के लिए आप कहीं 50-70 हजार लोगों को इकट्ठा करके और दबाव बनाएंगे। जब दबाव बनाते हैं, रास्ता रोकते हैं, आप ये करो आप वो करो, लोकतंत्र में इसके लिए होता नहीं, लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं। ये जो धींगा मस्ती है इससे अगर कुछ भी सरकारें जुटती हैं तो बहुत गलत दिशा में देश चला जाएगा, बहुत गलत दिशा में चला जाएगा। बहुत मुश्किल से लोकतंत्र हमने कायम किया है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान प्रदत्त किया उस संविधान की धाराओं के अंदर यह देश का लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो सबसे बड़े लोकतंत्र में ये जो दबाव की राजनीति पैदा करने वाले सुन ले, इस दबाव की राजनीति से सुरक्षित वो भी नहीं रहेंगे, वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए हमने तो सबको अपील भी की है, मैंने निवेदन केंद्र सरकार के नेताओं से भी किया है कि कहीं कोई आपस में अगर किसी बातचीत का कोई किसी प्रकार का बना हुआ है रुकावट बनी है तो उसको हटा करके हमको किसान नेताओं से, या चाहे वो स्वार्थ के नाते से चाहे पॉलिटिकल लीडर के भी कुछ लोग हैं, उनको भी तर्क संगत बात करके और उनके साथ बात करनी चाहिए। और बात नहीं करेंगे तो संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने वो विषय अपने हाथ में ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन में 3 दिन में निश्चित रूप से डायरेक्शन देंगे और सबको मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट हमारा निर्णय करने की प्रक्रिया में सर्वोपरि होता है। इसलिए मित्रों ये जो कानूनों का विरोध हो रहा है इसके लिए भी हमको कोई रास्ता जरूर निकालना है, लेकिन इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करना यह हमारा सबका काम है। उसके लिए हम भी अपनी ओर से अपना बेहतर करें, सबको एक वातावरण बनाना है समझ करके पढ़ करके कि कानूनों में कोई गलती नहीं है और हम लोग MSP को समाप्त नहीं होने देंगे। मैंने तो पीछे विधानसभा के चुनाव में ये घोषणा की थी कि MSP रहेगा, किसान था है और रहेगा, मंडी थी है और रहेगा, ऐसे ही MSP थी है और रहेगी। MSP खत्म करने की कोशिश जिन्होंने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा मित्रों।